सबसे पहले आप ये देख लो, एक जॉब आई है अमेजोन की तरफ से और इस जॉब का नाम है सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट और ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट का शॉर्ट फॉर्म है SPS। अब इसका मतलब क्या होता है कि अमेजोन में जो भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनकी हेल्प करोगे। यहाँ पे आपका काम क्या क्या रहेगा पहले हम वो बात कर लेते हैं, फिर बाकी बात करेंगे। आपका काम रहेगा ईमेल सपोर्ट का, सर्विस लेवल का, कस्टमर सर्विस का, कॉन्टैक्ट सेंटर का, इनबाउंड का, MS ऑफिस आपको आना चाहिए और आउटबाउंड कॉलिंग का। यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साथ ही आपको बता दूँ कि अभी ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। साथ ही अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छी खासी दे रहे हैं, 3 लाख से 4 लाख पर एनम। अब आपका यहाँ पे काम क्या रहेगा, व्हाट विल यू डू सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो कि क्यों ये इसमें आपका काम क्या रहेगा, ठीक है। तो साथ ही मैं आप थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है, और जो मेन चीज़ें मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि वीकली ऑफ, यहाँ पे आपको रोटेशनल 2 दिन ऑफ मिलेंगे, ठीक है, और ये 2 कॉन्सिक्यूटिव डे है, ठीक है, और आपको 5 दिन काम करना है, वो 2 दिन आपको कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हो ना तो आपको कोई लीव नहीं मिलेगा, कोई अनप्लान्ड लीव नहीं मिलेगा पहले 4 महीने तक, ठीक है। तो अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आप लीव ना ही लो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। साथ ही यहाँ कह रहे हैं कि आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, और आपको इंटरनेट ब्राउजर विंडोज़ OS माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। होम इन्वायरमेंट, आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस बहुत कम आता हो, अगर आप कहीं ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आता है ना, तो फिर दिक्कत होगी यहाँ पे आपको काम करने में। साथ ही आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप इंटरनेट कनेक्शन में एक डिमांड रखी है कि आपका मिनिमम स्पीड जो इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए वो 20 MBPS स्पीड होनी चाहिए, और ये ठीक बेटर रहेगा कि आपके पास एटलीस्ट 100 GB डेटा हो रिलायबल प्रोवाइडर से, तो आपका जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो एक बढ़िया प्रोवाइडर से होना चाहिए। साथ ही आपके पास एक पावर बैक अप, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं फिर से बताता हूँ आपको, सूट है पावर बैक अप इन केस ऑफ पावर शटडाउन। अगर आपका पावर शटडाउन हो जाता है, मतलब आप घर में काम कर रहे हैं लैपटॉप से और अचानक से पावर शटडाउन हो जाता है, तो इन केस में आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए, ठीक है। साथ ही इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट जो दिल्ली NCR से वही से भी अप्लाई करें यहाँ पे और इमीडिएट ज्वाइनर है, अगर आप दिल्ली NCR से तब अप्लाई कर सकते हो और आपका ज्वाइनिंग जो है जल्दी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी भी आप पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ मतलब टिक मार्क करना पड़ेगा, ओके। अब इंडस्ट्री टाइप में आप देख लो, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है कि नॉन वॉइस नॉन टेक सपोर्ट है, ठीक है, ओके। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम परमानेंट, और एडुकेशन में इन्होंने क्या मांगा है, एनी पोस्ट ग्रेजुएट और एनी ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हो ना, अगर आप ग्रेजुएट हो रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर बस BA BCOM किसी की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप जहाँ से चाहो क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट रहेगा कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक नहीं दे रहा, मैं टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक दूंगा, ठीक है। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना, फिर आपको ये लिंक मिलेगा और उस पर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब चलिए अप्लाई करने के लिए पहला कंडीशन ये कि आप दिल्ली से होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस जॉब, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि वो जॉब कैसे मिली। आप अदर्स कर लेना, यहाँ पे बता सकते हो कि आपको कहाँ से मिला, या फिर आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आपका आपको नेक्स्ट आपका ये तो हो गया ना, ठीक है, आप अदर्स कर देना तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और अदर्स में आप लिख देना कि आपको यूट्यूब चैनल से इस जॉब के बारे में पता चला है। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम देना है, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, एल्टेंड मोबाइल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर आपको अपना जेंडर चूज करना है, जो भी आपको जेंडर हो, सिटीजनशिप सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कौन कौन सिटीजनशिप है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, आप तो इंडिया से तब इंडिया सेलेक्ट करोगे। फिर डिसेबिलिटी है कि नहीं आपको वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। एड्रेस देना है आपको, यहाँ पे करंट आपका जो घर का एड्रेस है आपको वो देना है, ओके, जहाँ पे अभी आप रह रहे हो। हाइस्ट एडुकेशन प्रोफाइल आपको वो देना है यहाँ पे। एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपका एक्सपीरियंस तो आप लिखोगे नहीं है तो आप 0 कर दोगे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, आप करेंटली काम कर रहे हो, हायन आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नोटिस पीरियड, आप ये कब ज्वाइन करोगे, इमीडिएटली ज्वाइन करोगे या 0 से 15 दिन में ज्वाइन करोगे, आपको जो से लेकर आप ज्वाइन कर माने टिक मार्क लगा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा आप कैन ज्वाइन इमीडिएटली में क्लिक कर देना, ओके। अदर डिटेल में आपको ये सब जो अदर डिटेल फिल करना है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आर यू विलिंग टू बी इन जॉब डेट में रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर वी टेलीफोन और ईमेल, आपको यस करना ही है। पैन कार्ड देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अगर आपका आधार कार्ड हाँ बोलोगे, नहीं है तो ना बोलोगे, ठीक है। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड बाय अमेजोन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, येस या नो। तो अगर आप अमेजोन में पहले जॉब करते हैं, आप येस करोगे, नहीं करते आप नो करोगे, ठीक है। साथ ही बताऊँ आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो आधार कार्ड के लिए, ओके, क्योंकि बिना आधार कार्ड का आपको जॉब नहीं मिलने वाला। फिर यहाँ पे अपना रिज्यूम CV दोगे, फोटो दोगे और यहाँ पे टिक मार्क लगाओगे। टिक मार्क लगाने के बाद क्या करोगे, आप
आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आगे का प्रोसेस है वो आपको देख लेना है। देखिए आप इतना कर लेना, इतना करने के बाद ना आपके पास एक OTP आएगा जो ईमेल आईडी आपने फिल की है, ठीक है। वो OTP फिल कर देना, OTP फिल करने के बाद आपके पास ऑनलाइन टेस्ट का ईमेल आ जाएगा। तो आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर से कर रहा हूँ अभी ये जो जॉब है करेंटली इनके लिए जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली NCR में रहते हैं।